हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीसी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो आता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं माउस की अनबॉक्सिंग बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस माउस का नेम है फ्लिपकार्ट वायरलेस ऑप्टिकल माउस। तो यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ पे ये रैपर को मैं काट देता हूँ और यहाँ पे मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें माउस मिल जाता है फ्लिपकार्ट की तरफ से और यह बिल है ये। तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इसका प्राइस कितने का है। तो मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ और यह रहा माउस हमारा, इसमें भी पैकिंग है तो इसे काट लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैकिंग को कट कर ली और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे ऐसे खोलना है इसे और यहाँ पे मैं इसे खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे यहाँ पे हमें माउस मिल जाता है और डब्बे में कुछ नहीं है। और यहाँ पे ये रहा फर्स्ट लुक और यहाँ पे आपको पन्नी में पैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस माउस का लुक जो है गाइस कितना अच्छा है। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसका पूरा लुकिंग। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल माउस है गाइस, जो कि ओरो से। तो गाइस, यहाँ पे अब मैं पीछे की तरफ यहाँ पे आपको ले जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय। तो गाइस, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है फ्लिपकार्ट की। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस माउस लिखा हुआ है। और गाइस, जो इसका मॉडल है V8 है। और गाइस, इसका जो कलर है वो ग्रे है। तो गाइस, ये आपको 3 और कलर में भी अवेलेबल हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला कलर पसंद नहीं है तो गाइस आप इसके अलावा कोई और सा कलर भी ले सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं गाइस इसे को खोल के। तो गाइस, यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको इसको खोलना भी गाइस बहुत ही आसान है। तो गाइस, यहाँ पे बस आपको ऐसे प्रेस कर देना है और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ आपको एक सेल भी देखने को मिलता है। तो गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि गाइस आपको और कोई से माउस में देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, मैं इसका सेल भी निकाल ले रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल। तो गाइस, यहाँ पे इंडिया की कंपनी का नहीं है, कोई बाहर सी कंपनी का है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डबल ए साइज़ का सेल लगता है, जो कि गाइस काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो गाइस, अब मैं इसे सेल को साइड रख देता हूँ। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक USB भी मिल जाती है, जो कि आप इसे अपने लैपटॉप में या फिर PC में गाइस यहाँ पे आपको इसे लगाना होता है, जिसके बाद आपका माउस जो है वर्क करता है। तो गाइस, चलिए अब मैं गाइस इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ आपको गाइस कि कैसा वर्क करता है। तो गाइस, देख सकते हैं जो गाइस इसका जो कनेक्टर है गाइस वो आपको अपने लैपटॉप में या फिर PC में लगा देना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लगा दिया तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लग गया। और गाइस, यहाँ पे साउंड भी आ गई थी गाइस कि ये लग चुका है। और गाइस, यहाँ पे मैं आप यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आप जो हमारा माउस है गाइस काफ़ी इजीली वर्क कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको कुछ ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करा तो गाइस जो इसकी क्लिक की साउंड है गाइस वो भी काफ़ी कम है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको नोटपैड क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी इजीली वर्क करता है गाइस, इसका राइट क्लिक सब काफ़ी इजीली वर्क करता है। तो गाइस, यहाँ पे अब मैं इसकी क्लिक करने की गाइस वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। और गाइस, जो इसका स्क्रॉल वाला जो बटन है गाइस वो भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑल ऐप पे क्लिक करा और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो गाइस, इसकी जो परफॉर्मेंस है गाइस वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको इस माउस की एक खास बात और बता दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप जैसे ही माउस को पीछे पलटते हैं, और गाइस अभी मेरा माउस जो है लैपटॉप से कनेक्ट है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पीछे जो कोई भी लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब गाइस आपकी जो बैटरी है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बचने वाली है। अगर आप नॉर्मली माउस लेते हैं जिसमें लाइट जलती है तो गाइस यहाँ पे आपकी एक बैटरी गाइस यहाँ पे 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाती है, अगर आप पर डे 4 घंटे को यूज़ करते हो माउस को। तो गाइस, ये आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो इसके जरिए गाइस आपकी जो बैटरी है गाइस वो 45 से 50 दिन तक इजीली चल सकती है। तो गाइस, ये आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ गाइस इसके प्राइस के बारे में। तो गाइस, ये फ्लिपकार्ट पे मैंने जब ख़रीदा था तो गाइस ये 500 रुपये का था। तो गाइस, अभी मैंने इसे बीच में देखा था तो गाइस ये 400 रुपये का भी हो गया था। तो गाइस, इसका प्राइस जो है फ्लिपकार्ट में बढ़ता घटता रहता है। तो गाइस, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जब भी आप लेंगे तो गाइस क्या पता आपका प्राइस अलग हो, लेकिन गाइस ये इसका प्राइस जो है गाइस 400 से 500 की रेंज में रहता है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।